वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम रविशंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो गाइस, एप्पल के ऐप स्टोर एंड गूगल के प्ले स्टोर दोनों से ही फोर्टनाइट नाम के गेम को बैन कर दिया गया है। पर ऐसा क्यों किया गया बेसिकली? तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा बैन कर दिया गया अचानक से, पूरी डिटेल देने वाला हूं गाइस। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और गाइस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स डेली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और गाइस, हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो लोग नहीं जानते फोर्टनाइट क्या है तो मैं बता दूं गाइस, ये भी एक बैटल रॉयल गेम है पबजी की तरह ही। इसमें भी गाइस आप लोगों को सेम पबजी के जैसा ही मिलता है इंटरफेस वगैरह और सेम पबजी के जैसे गेम प्ले मिलता है, पर इसका जो ग्राफिक्स है वो थोड़ा सा पबजी से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें गाइस आप लोगों को कार्टूनिश ग्राफिक्स मिल जाता है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अमेजिंग दिखता ही है। और मैं बता दूं पॉपुलैरिटी के लिए की, तो गाइस जैसे कि आप पबजी जानते हो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, वैसे ही वर्ल्ड वाइड इंडिया से बाहर पबजी से ज़्यादा फोर्टनाइट पॉपुलर है। और इसका जो यूज़र बेस है 350 मिलियन प्लस यूज़र बेस है इसका ग्लोबली। तो ऑब्वियसली इसका जो यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ज़्यादा लोग खेलते हैं और ये पीसी मोबाइल सभी जगह अवेलेबल है। तो गाइस बेसिकली ये हाल ही में गूगल के प्ले स्टोर में भी आया था, तो बहुत दिन से नहीं था। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि गाइस हाल ही में आया था और अभी कुछ ही दिन पहले एक अपडेट आया था फोर्टनाइट में गूगल के प्ले स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर एंड एप्पल के ऐप स्टोर दोनों ही में एक अपडेट आया था, जिसमें गाइस एपिक लॉन्चर जो कि फोर्टनाइट का पैरेंट कंपनी है उसने अलाउ कर दिया कि यूजर्स लोग डायरेक्टली पे कर पाएंगे एपिक स्टोर को, जो कि गाइस गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर के एप्पल ऐप स्टोर के पेमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट था। तो बेसिकली गाइस डायरेक्टली कोई भी ऐप है वो डायरेक्टली कंपनी को पे नहीं कर सकता, वो ऐप स्टोर का पेमेंट गेटवे से ही पेमेंट होना चाहिए बेसिकली, ऐसा पॉलिसी है एप्पल के ऐप स्टोर एंड गूगल के प्ले स्टोर से। तो सबसे पहले एप्पल ने इसे डिस्कवर किया कि इस अपडेट के बाद फोर्टनाइट में ऐसा फ्लॉ है कि डायरेक्टली पे कर पा रहा है फोर्टनाइट, तो गाइस एप्पल ने इमीडिएटली बैन कर दिया इस गेम को अपने फोर्टनाइट गेम को अपने ऐप स्टोर से, और साथ ही में गूगल को भी तुरंत पता चल गया, तो फिर गूगल ने भी बैन कर दिया। अब गाइस सवाल उठता है कि ये वापस से आएगा गूगल प्ले स्टोर में या फिर एप्पल के ऐप स्टोर में, और गाइस आए या ना आए बेसिकली इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे दूसरे एक्सटर्नल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके खेलते थे, क्योंकि गाइस ये प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में आने से पहले ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ही रहता था और लोग वहीं से जाकर डाउनलोड करते थे। पर गाइस अगर इसे वापस आना है अपने ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर में, तो बेसिकली गाइस अभी डिसीजन चल रहा है, लीगल एक्शंस वगैरह चल रहे हैं, और जब ये क्लियर हो जाए तो ये वापस भी आ सकता है, वापस आने की संभावना ज़रूर है। और अगर ये फोर्टनाइट अपोलॉजी करके ये अपडेट में अगेन दूसरे अपडेट में हटा दे ये फीचर, तब ये वापस आ सकता है एप्पल के ऐप स्टोर में या फिर गूगल के प्ले स्टोर में। तो देखते हैं गाइस अब ये क्या डिसीजन आगे क्या लिया जाता है और क्या ये आता है कि नहीं ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में। वेल, जो भी होगा गाइस अनाउंसमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा गाइस। और बस गाइस इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कॉमेंट में बताइएगा क्या आपके ओपिनियन है इसके बारे में और मेरे बारे में, इस वीडियो के बारे में कुछ भी बता सकते हो। और गाइस शेयर करो इस वीडियो को सभी साथ, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स डेली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और गाइस हम लोग बहुत ही करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।